गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के आने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग। तो इस आर्टिकल राइटिंग को या 10 मार्क्स पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल ईजिली इसको पा सकते हो, ठीक है। इसमें ये ट्रिक बताऊँगा कि अगर आपको राइटिंग आर्टिकल राइटिंग बिल्कुल भी नहीं लिखने आती और चीज़ें आपको याद भी नहीं है, इसके बाद ही आप आर्टिकल लिख कर 100% गारंटी के साथ पास हो जाओ और एक अच्छा मार्क्स लेकर आओ। लिखने की जबरदस्त ट्रिक और 10 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल और बिल्कुल पक्का है। और मैं पेपर की सहायता से इजीली ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल लिखकर जबरदस्त मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। अब अनपढ़ भी लिख लेंगे ट्रिक से। ये ऐसी ट्रिक है कि अगर आपको पढ़ने लिखने भी नहीं आता तो भी आप इस ट्रिक से इस आर्टिकल को लिख लोगे, ठीक है। पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का आर्टिकल। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आर्टिकल्स राइटिंग को। देखो आर्टिकल राइटिंग जो होता है वो सेक्शन बी के तहत आपको आर्टिकल राइटिंग मिलती है। आपको इस तरह से लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। इसके बाद जो सबसे असली प्रक्रिया चालू होती यहाँ से चालू होती, ठीक है। इंट्रोडक्शन, यानी कि सबसे पहला INTRODUCTION इंट्रोडक्शन, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जो बात करने वाले वो पॉल्यूशन पे यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। पॉल्यूशन, तो इस पॉल्यूशन को आपको लिख लेना है, ठीक है, हेडिंग डाल देना पॉल्यूशन या कुछ पे, हम पॉल्यूशन पे आपको बता रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको लिखना है द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियसली टूडे, ठीक है। तो आज की डेट में जो ये प्रदूषण की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है आज की डेट में। अब देखो इसके बाद मैंने डैश डैश कर दिया। अब देखो इस डैश डैश में क्या लिखा जाएगा। अब ये आपकी इंग्लिश की सपोज ये क्या है, क्वेश्चन पेपर है। अब इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप इस तरह से पलटोगे, ठीक है, तो इसमें यार इतने सारे पैसेज मिल जाते हैं, ठीक है। इसको अगर आप इस तरह का आइडिया लगाते हो तो आप 100% पास होगे, ठीक है। अब देखो इस लिटिल थिंकिंग जैसी ये एक पैसेज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस पैसेज की आपको यहाँ से यहाँ तक छोड़ देना है पहली लाइन, ठीक है। पहली लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ से और यहाँ तक एक लाइन नीचे का छोड़ के ये आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। जो टीचर होता है वो आपका केवल शुरुआत ही देखता है। और देखो एक शैली जो होती है वो असली शैली होनी चाहिए लिखने की, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन इस तरह से शैली है और जिस चीज़ को लिख रहे हो यहाँ पे इस तरह से पाई देकर उस जैसे पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, ये लिखने के बाद आप इसमें से कुछ भी पैसेज यहाँ से, यानी कि पैसेज भी इस तरह से मत उठाओ कि कहीं से भी उठा दे, यहाँ पर फुल स्टॉप है। इसके बाद जो चीज़ें शुरू हो रही है वहाँ से उठाकर और जहाँ तक फुल स्टॉप है यहाँ तक आपको उसमें फिलअप कर देना है, ठीक है, भर देना है और ज़्यादा नहीं भरना, इतना ही भरना है। बहुत सारे पैसेज आपको मिल जाते हैं, आर्ट साइंस वाले को भी पैसेज इसमें दिया होता है, उन सब चीज़ों को भी आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। ये सब चीज़ें गलती नहीं होनी चाहिए, हेडिंग काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन के जो होते हैं प्रकार वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है कि देयर आर मेनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन के कई प्रकार हैं। अब देखो इतना आप लिख लिए, ठीक है। ये चीज़ें देखो बोर्ड एग्जाम में 100% पास होगी क्योंकि टीचर को प्रूफ चाहता है कि आप कुछ लिखे हो तभी वो आपको पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रूफ भी दे दे रहे हो, वो 100% आपको 10 मार्क्स भी दे देगा। अब चीज़ें अगर वो अगर आप सोचते हो कि अगर नहीं टीचर अगर देख लिया तो देखते नहीं, उनको पर काफ़ी पैसे मिलते, सपोज वो देख लिया, ठीक है। तो देखो डूबने वाले को तिनका का सहारा, अगर आपको नहीं लिखने आता आर्टिकल तो आप तो छोड़ दोगे, सादा पेज छोड़ दोगे, अरे यार क्यों ना कुछ लिख दिया जाए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर आपको इस तरह यहाँ से थोड़ी बहुत उसकी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अपने से थोड़ा सा सेंटेंस बना सकते हो या तो चीज़ें इतना याद करनी, इसके बाद उसको फिलअप करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो हेडिंग डालकर इन सब चीज़ों को फिलअप आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन के प्रकार, तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, इस समय जो पॉल्यूशन है वो कई प्रकार की हैं। इसके बाद यहाँ से मैं कह देता हूँ कि यहाँ से आपको डैश 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 कर देना है, यानी इस चीज़ को आपको अपने पैसेज से फिलअप करना है। यहाँ एक पैसेज नहीं यार, दो पैसेज भी आपको मिल जाएंगे, इसके बाद भी आपको पैसेज मिल जाएंगे इसमें। तो देखो इस तरह से ना, तो यहाँ से ये कहाँ पे फुल स्टॉप शुरू होता है, जहाँ शुरू हुआ आप दे से उठाइए और दे से कहाँ पे फुल स्टॉप ख़त्म होता है इसका,
वुमेन तक, ठीक है, यहाँ तक भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप लिख दो। इसके साथ इसमें और सारे भी पैसेज आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो उन पैसेज को भी आप इसमें भर सकते हो, फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, आपको नंबर मिलेगा 10 मार्क्स, ठीक है। यहाँ भी देखो जैसे इस तरह का पैसेज मिल जाता है आपको देखने को आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में, तो इन सबको भी आप भर सकते हो, लेकिन भरते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि फुल स्टाफ से ही भरना है, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपको चीज़ें सेंटेंस जो है वो मेंटेन नहीं की। यहाँ पे देख सकते हो कि आप इस तरह से कितने सारे पैसेज दिए, इनको भी आप कहीं से भी, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि कहीं भी यहाँ फुल स्टाफ खत्म हुआ, ठीक है, यहाँ से ही जो है इस सब्जेक्ट को यहाँ से और जहाँ तक फुल स्टाफ होता है वहाँ तक कामा हुआ तक आप इसमें फिलअप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, जो आपका आर्टिकल राइटिंग होता है उसका फर्स्ट और लास्ट जो हेडिंग होती है वो सेम होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान देना, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। तो यहाँ पे कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है यानी कि पॉल्यूशन का, वो आज की डेट में बहुत ही सीरियसनेस है, ठीक है, बहुत ही गंभीरतापूर्ण है आपके दिमागों के लिए, अपने शरीर के लिए। तो यहाँ से फिर आपको कई सारे पैसेज मिल जाते हैं, ठीक है, उसको आपको उठाकर इसमें फिलअप कर देना है और फिलअप कर इस तरह से लिख देना, ठीक है। अगर आप लिखते हो तो ऐसा कोई नहीं जो आपको फेल कर दे, आपको 10 में से 8 मार्क्स 7 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। आप इस ट्रिक को लगा कर देखो, 100% ये ट्रिक जो है बोर्ड एग्जाम में वर्किंग की है, तो आप इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है, इसके बाद कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम के बाद जो होता है यहाँ से आप पैसेज उठाकर फिलअप कर दो। देखो टीचर को पैसे मिलते कॉपी चेक करने को, वो इतना ध्यान भी नहीं देता, अगर ध्यान भी दे देगा तो वो आप पे खुशी हो जाएगा कि बच्चा कुछ ना कुछ लिखा है, इसको मार्क्स देना है। टीचर फेल कब करता है, जब आप कुछ नहीं लिखते हो, सादे कॉपी छोड़कर आ जाते हो, तो उसके पास जो यार कोई भी चांसेज नहीं रहता है आपको पास करने की, उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है अगर वो पास कर देगा, तो इन सब चीज़ों से वो आपके मार्क्स को दे सकता है, तो इन सब चीज़ों को आप आजमाएं और बोर्ड एग्जाम में यार 101% आपको सफलता मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।